हेलो व्यूवर्स, आज हम पोहे की कटलेट बनाएंगे। ये सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग टाइम में बहुत झटपट और आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हम पहले पोहा लेंगे, उसको पानी से अच्छे से धो लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। फिर बाद में उसमें हम आलू, प्याज, कोरिएंडर, अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़ा सा नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी सूजी डालेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको टिक्की का शेप दे देंगे। ये हमारी टिक्की रेडी है। अब हम इसको डीप फ्राई में ऑयल गर्म करके कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है, बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आती है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करना। आप इसको टमाटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।